अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बात करने लगे हैं एक अबेंडन चैप्टर की, जिसको मैंने बहुत वक्त पहले छोड़ दिया था और जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत मुसलसल स्टूडेंट जो है वो किए जा रहे थे। एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर टेन जो है वो हमने आधा पढ़ा था। ये स्केलेटन और मसल से रिलेटेड एक चैप्टर है। इसमें हमने स्केलेटन का पूरा टॉपिक पढ़ लिया था, मस्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, मसल की टाइप्स पढ़ी थी हमने, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल। आज हमने बात करनी है बेसिकली मसल के स्ट्रक्चर की और उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन का, उसकी बात करनी है। यहाँ पर जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो स्ट्राइएटेड मसल की बात कर रहे हैं, यानी स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर से वो कैसा नज़र आता है, क्या यूनिट होता है उसका, कंपोजिशन किस तरह की होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब स्केलेटल मसल काम करता है, जाहिर सी बात है मसल जब काम करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने देखना है कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती हैं या उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को देखें, ये हमारे पास मसल है, राइट। अब इस मसल के अंदर, इस मसल में से एक इन्होंने कुछ निकाला है जिसको इन्होंने नाम दिया है मसल बंडल का, ठीक है। समझ लें कि ये मसल जो पूरा मसल है ये झाड़ू है, और झाड़ू में से जो एक तिनका निकाला है उसको इन्होंने नाम दिया मसल बंडल का। अब इस मसल बंडल में से इन्होंने कुछ और निकाला, उसको नाम दिया मसल सेल फाइबर का। अब दोबारा समझने की, मसल बंडल जो है ना, आपकी बार ये झाड़ू है और इसमें से जो अब तिनका निकाला गया है वो मसल सेल फाइबर है। फिर मसल सेल फाइबर में से कोई और एक पतली सी चीज़ निकाली जिसको इन्होंने नाम दिया मायोफाइब्रिल का। आप समझ लें ये मसल सेल फाइबर एक झाड़ू है जिसके अंदर से ये एक तिनका निकाला गया है, ठीक है। बेसिकली मसल की कॉम्पोजिशन इसी तरह से होती है। सबसे पहले ये पतले पतले फाइबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल, ये भी आगे खुद किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो ये पतले पतले फाइबर हैं जो कहलाते हैं मायोफाइब्रिल। बहुत सारे मायोफाइब्रिल को आप एक साथ जोड़ दें, उनके ऊपर टेप लगा दें, तो ये बनता है मसल सेल फाइबर। मसल सेल फाइबर्स को, बहुत सारे मसल सेल फाइबर को जोड़ दें, टेप लगा दें, तो इससे बनता है एक बंडल, और बहुत सारे बंडल्स को आप जोड़ दें तो उससे जाकर बनता है मसल। इस डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक मसल है, ये मसल की कवरिंग होती है, इसको छोड़ दें, आपकी बुक में नहीं है। ये टेंडन है जिससे मसल किसी बोन के साथ अटैच होता है। तो अब देखें ये मसल जो है ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, तो दिस वन कंपार्टमेंट इज़ अ मसल बंडल। अब ये जो एक निकाला हुआ है, दिस इज मसल बंडल, ये भी कवरिंग का नाम है, इसको भी छोड़ दें। दिस इज़ वन मसल बंडल, ठीक है। ये मसल बंडल जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है पतले पतले फाइबर से। तो ये जो फाइबर आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ मसल फाइबर। फेसिकुलस जो है ये पूरे बंडल को कहते हैं, ये पूरा सर्कल किया हुआ, ये पूरा बंडल है, तो ये एक फेसिकुलस है, एक मसल बंडल है ये जो निकाला है इन्होंने। सिमिलरली ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है, और ये जो बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये एक पतला सा जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड वन मसल फाइबर। तो ये इसको यहाँ से निकाला हुआ है, ये पूरा मसल फाइबर है, ठीक है। ये इसकी ऊपर वाली कवरिंग है, इसका नाम छोड़ दें। तो ये पूरा एक मसल फाइबर है, और आपको पता है मसल फाइबर खुद बारीक बारीक धागों से बना होता है, बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बना होता है। ये एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। अभी जो मायोफाइब्रिल है ना, इसको अगर आप अंदर से देखें तो इसके अंदर कुछ और बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ये दो तरह के माइक्रोफिलामेंट्स हैं यहाँ पे। एक होते हैं मोटे वाले फिलामेंट जो कि आपको ये बीच में नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, दीज आर कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट, इन्हें थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। और एक होते हैं बारीक वाले फिलामेंट, बारीक वाले पत्ते पत्ते प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके सराउंडिंग में है। इसमें तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनमें मेन जो प्रोटीन है वो एक्टिन है, और इसके साथ दो तरह की प्रोटीन्स और शामिल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये मैं दिखा दूँ पहले इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये जो आपको मोटी वाली प्रोटीन नज़र आ रही है, पूरी जो पर्पल कलर की बनी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन, या ये मायोसिन का फिलामेंट है। और ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये थिन फिलामेंट है। अब इसके अंदर तीन प्रोटीन्स हैं, एक ये आपको सर्कुलर से बनी हुई नज़र आ रही है, ये पूरी चेन जो जा रही है, ये एक चेन है और इसके अराउंड ये लिपटी हुई है दूसरी चेन। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, ये मॉलिक्यूल कहलाता है एक्टिन का। एक्टिन के अंदर बेसिकली ये दो चेन्स जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ, जिस तरह डीएनए की दो चेन्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये दो चेन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। तो ये एक्टिन है, उसके साथ आपको ये रस्सी की तरह की एक प्रोटीन नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। और फिर ये ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रोपोनिन। तो ये हमारे पास दो तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसको थिक फिलामेंट कहते हैं और इस पूरे को मिलाकर हम थिन फिलामेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो थिक और थिन फिलामेंट है, ये आपको नज़र आ रहा है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक तरह से अरेंज हुए हुए। किस तरह से अरेंज हुए हुए कि ये मायोसिन है और उसको सराउंड किए हुए एक्टिन, फिर मायोसिन है, फिर सराउंड किए हुए एक्टिन। तो ये जो आपको एक छोटा सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये जो एक सेगमेंट है, देखें ये पीस दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फिर ये पीस दोबारा रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये पीस है, उसके बाद ये एक और पीस है, फिर ये एक और पीस है, तो ये एक और पीस है। ये वाला जो छोटा सा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है सार्कोमेयर।
और ये बेसिकली इस मसल का यूनिट होता है। यानी अगर आप मसल बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, सार्कोमेयर को लगाते जाएं। ये एक सार्कोमेयर है, ये दूसरा सार्कोमेयर है, ये तीसरा सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर को लाइन से लगा दें तो क्या बन जाएगा, मायोफिब्रिल। बहुत सारे मायोफिब्रिल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मसल फाइबर। बहुत सारे मसल फाइबर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मसल बंडल, जिसे फेसिकल्स भी कहते हैं। और बंडल्स को जोड़ देंगे तो आपके पास बन जाएगा मसल। अब बुक की डायग्राम देख लें, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ मसल। इसमें से ये एक निकाला बंडल, ठीक है। बंडल के ऊपर शीट है, इसकी अपनी कवरिंग होती है, इसका नाम आपको नहीं जानना। इस बंडल में से एक फाइबर निकाला, दिस इज़ कॉल्ड मसल सेल फाइबर। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक मसल फाइबर जो है बहुत सारे बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बनता है जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल। और ये मायोफिब्रिल जो है ये कुछ स्ट्रक्चर से बनता है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब इसमें ये दो तरह के हैं, एक ये आपको बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्टिन। और इसके साथ दो प्रोटीन और होंगी, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और ये बीच में जो आपको नज़र आ रहे हैं मोटे वाले, दीज आर कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी अगर आप देख लें तो मायोफिब्रिल आ गया, ठीक है। मायोफिब्रिल किससे बना होता है, ये पूरा यूनिट जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पूरा यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बेसिकली दो जेड लाइन के दरमियान में होता है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये एक जेड लाइन है और ये एक जेड लाइन है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये बीच में मायोसिन है, तो दो जेड लाइन के दरमियान का जो रीजन होता है वो कहलाता है सार्कोमेयर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो जिगजैग लाइन आपको नज़र आ रही है, ये भी जिगजैग लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड अ जेड लाइन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जेड लाइन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जेड लाइन। तो सार्कोमेयर बेसिकली क्या है, दो जेड लाइन्स के दरमियान का जो एरिया होता है वो सार्कोमेयर है। यही सार्कोमेयर लाइन से आप जोड़ देते हैं तो आपको मायोफिब्रिल बन जाता है, मायोफिब्रिल्स को मिला देते हैं तो मसल सेल फाइबर बन जाता है। अच्छा, मसल फाइबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि इस मसल फाइबर के ऊपर एक अदद कवरिंग होती है, वो कवरिंग कहलाती है सार्कोलीमा, ठीक है। मसल सेल फाइबर बेसिकली एक बड़ा जॉइंट सेल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जिस तरह सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है प्लाज्मा लीमा, न्यूरॉन्स की जो आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, न्यूरॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है न्यूरोलीमा। बिल्कुल इसी तरह मसल के ऊपर, मसल सेल फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो कहलाती है सार्कोलीमा। तो ये बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, मसल के स्केलेटल मसल का। तो बेसिकली बात जो आ जाती है ना इन दी एंड, वो आ जाती है सार्कोमेयर के ऊपर, क्योंकि सार्कोमेयर क्या है, सार्कोमेयर एक्चुअल यूनिट है। किसका यूनिट है सार्कोमेयर, ये यूनिट है पूरे के पूरे मसल का। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मसल किस तरह से काम करता है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सार्कोमेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि पूरा जो मसल है वो किस चीज़ से बना है, वो सार्कोमेयर से बना हुआ है। सार्कोमेयर लगाते जाएंगे तो मसल बन जाएगा। तो सार्कोमेयर का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए, सार्कोमेयर की अगर आपको फंक्शनिंग समझ आ जाए कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, तो आपको पूरे के पूरे मसल की जो फंक्शनिंग है वो समझ आ जाएगी। तो बेसिकली अब हम जो बात करेंगे वो सार्कोमेयर से रिलेटेड करें। अब देखिए, जब आप सार्कोमेयर को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो आपको इसके कुछ एरियाज़ जो हैं वो लाइट नज़र आते हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो डार्क नज़र आते हैं। तो इनके लिए जो है वो कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो हमने डिस्कस करना है। ये बेसिकली हमारे पास सार्कोमेयर है, ठीक है। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, यहाँ पर सीधी बनाई गई है लेकिन एक्चुअली ये थोड़ी सी जिगजैग होती है। तो ये दो जेड लाइंस के दरमियान का जो एरिया है ये सार्कोमेयर कहलाता है। अब इसके अंदर ये थिन फिलामेंट है जिसमें एक्टिन होगा और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होगा, और ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये थिक फिलामेंट है जिसे मायोसिन कहते हैं। अब देखें, अगर आप गौर करें तो ये वाला एरिया जो है, ये इतना एरिया जो कि आउटर साइड के ऊपर है, ये एरिया जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये आपको लाइट नज़र आता है। इस एरिया को हम नाम देते हैं आई बैंड का। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये लाइटर नज़र आता है, ये आई बैंड कहलाता है। क्यों लाइटर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक तरह के फिलामेंट है जिन्हें आप कहते हैं थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट है तो ये ज़्यादा लाइट जो है उसे जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करते, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लाइटर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इन दो एरियाज़ के दरमियान वाला, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया काफ़ी डार्क नज़र आता है। क्यों डार्क नज़र आता है, क्योंकि देखें यहाँ पे थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है, थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है। तो इन दो फिलामेंट की वजह से ये एरिया काफ़ी डार्क नज़र आता है। तो ये बीच का पूरा एरिया जो है, दोनों आई बैंड्स के दरमियान का जो एरिया है, ये कहलाता है ए बैंड। अच्छा, लेकिन ए बैंड के अंदर एक हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पर दोनों फिलामेंट्स नहीं होते। देखें यहाँ तक तो दोनों फिलामेंट हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर तो दोनों फिलामेंट हैं, तो ये डार्क नज़र आएगा। इस एरिया के अंदर भी दोनों फिलामेंट है तो ये भी डार्क नज़र आएगा। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फिलामेंट है।
तो ये उतना लाइट तो नज़र नहीं आएगा जितना आई बैंड होता है, लेकिन बाकी ए बैंड के मुकाबले में, इन दो हिस्सों के मुकाबले में ये थोड़ा सा हल्का नज़र आता है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये बीच वाला एरिया जो है ये कहलाता है एच जोन। तो ये बेसिकली डिवाइड किया जाता है डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर स्टडी पर्पज़ के लिए, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो इन बैंड्स की जो लेंथ है वो भी आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे ये तब मैं बताऊंगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बैंड्स जो है ना कुछ छोटे होंगे, उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज होगा, कुछ चेंज आपको नज़र आएगा। तो ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर सार्कोमेयर का। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे कि लाइट स्टेनिंग आई बैंड्स होते हैं आउटर एज के ऊपर, और सेंटर में ए बैंड होता है, और ए बैंड के अंदर जो थोड़ा सा लाइट स्टेनिंग एरिया होता है उसे हम कहते हैं एच जोन। आई बैंड के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं, एच जोन जो है उसके अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं, और ए बैंड जो है जो डार्क नज़र आ रहा है उसके अंदर दोनों रीजन दोनों होते हैं, थिक फिलामेंट भी होता है और थिन फिलामेंट भी होता है, दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा डार्क नज़र आता है। तो अगर आप लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से, लाइट के हिसाब से अगर आप अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा डार्क बैंड जो है वो ए बैंड है, उसके बाद जो उससे लाइट है वो एच जोन है, और जो सबसे लाइट है वो आई बैंड है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्राइडेड मसल का या स्कैडल मसल का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये फंक्शन किस तरह से करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। अच्छा भाई, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वर डिफरेंट थ्योरीज, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी अपनी थ्योरीज दी। जो वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो बेसिकली हमारे पास है, हक्सले ने दी थी, एक बंदा था जिसकी जो थ्योरी है ये कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये कहती क्या है कि जैसे कि आपको बताया कि मसल जब भी काम करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा होता है और वो थिक हो जाता है। आप अगर कोई वेट उठाएं अपनी हाथ से, अपना हाथ से कोई भी वेट उठाकर अपनी बॉडी की तरफ लेकर आएं तो आपको फील होगा कि आपका जो बाइसेप है वो साइज़ में छोटा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और वो थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, मसल साइज़ में छोटा हो रहा है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि जो उसके अंदर के कॉम्पोनेंट्स हैं, जो फिलामेंट्स हैं, वो साइज़ में छोटे नहीं होते। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ साइज़ में छोटी हो रही है लेकिन वो जिस चीज़ से बनी हुई है, जो छोटी चीज़ें हैं, वो साइज़ में छोटी ना हो? तो ऐसा पॉसिबल है। ये थ्योरी कहती है कि भाई जिस तरह आप अपना हाथ जो है वो दूसरे हाथ के सामने लेकर आएँ, ऐसे कि फिंगर्स एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है। अब मैं हाथ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक हाथ है, ठीक है, और ये दूसरा हाथ है। अब ये दो हाथ जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है तो मैं चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं उंगलियाँ काटूँ। तो एक तरीका ये है कि ये वाली उंगली जो है वो यहाँ पे, ये वाली उंगली यहाँ पे, बेसिकली उंगलियाँ जो उंगलियों के दरमियान चली जाती हैं वो अगर आप एक काम करें तो उससे होगा ये कि डिस्टेंस तो कम हो जाएगा लेकिन उंगलियों का साइज़ उतना ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि जिस तरह आपकी उंगलियाँ एक दूसरे के दरमियान स्लाइड कर जाती हैं, इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, सार्कोमेयर के अंदर जो फिलामेंट होते हैं, जो थिन और थिक फिलामेंट हैं, ये अपना साइज़ छोटा नहीं करते लेकिन फिर भी ये मसल को छोटा करवा देते हैं इस तरीके से कि इसमें से जो छोटे वाले फिलामेंट हैं वो स्लाइड करके आ जाते हैं किसके ऊपर, बड़े वाले फिलामेंट के ऊपर। तो ये थ्योरी जो है ये कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि थिन फिलामेंट जो है, जो एक्टिन वाले फिलामेंट है, वो स्लाइड करके आते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, जिसकी वजह से सार्कोमेयर छोटा हो जाता है, और सारे के सारे सार्कोमेयर जब छोटे हो जाएंगे तो सार्कोमेयर से मिलकर मसल मायोफिब्रिल बनता है, उससे मिलकर मसल सेल फाइबर बनता है, उससे मिलकर बंडल बनता है, तो ओवरऑल मसल छोटा हो जाएगा। अब ये कैसे होता है तो इसके लिए हमें ज़रा चलना पड़ेगा स्ट्रक्चर की तरफ। एक्चुअल जो डायग्राम है बुक की वो ये है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये दो जेड लाइन है, देखें अभी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये पूरा एरिया जो है ये सार्कोमेयर है, तो अभी सार्कोमेयर बड़ा है, दो जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सार्कोमेयर छोटा हो गया, जेड लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। ये बीच में आपको जो फिलामेंट नज़र आ रहे हैं दीज आर मायोसिन, और ये जो नज़र आ रहे हैं ये एक्टिन फिलामेंट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, बेसिकली एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके आ रहे हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना एक्टिन फिलामेंट अभी स्लाइड किया हुआ था, सिर्फ ओवरलैप किया हुआ था, यहाँ अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिन फिलामेंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो मायोसिन बीच में चला गया जिसकी वजह से सार्कोमेयर छोटा हो गया। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम की मदद से, ठीक है, डायग्राम मेरी बड़ी ख़राब है, ऊपर से माउस से जो है बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो दिस इज़ द जेड लाइन। अच्छा, ये वो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ अभी, जो रिलैक्स हालत के अंदर है, और ये वो मसल है जो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन के अंदर है। तो ये हमारे पास दो जेड लाइन है, इनके दरमियान का जो रीजन है ये सार्कोमेयर है। ये हमारे पास थिन फिलामेंट है जो रेड में बने हुए हैं, जिनके साथ ब्लू ग्रीन और ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर हैं, ये पूरा थिन फिलामेंट है, और ये बीच में जो आपको पर्पल नज़र आ रहा है दिस इज़ द थिक फिलामेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो थिन फिलामेंट है उसके अंदर ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है दिस इज़ एक्टिन,
एक्टिन के अंदर आपको नज़र आएगा कि कुछ एरियाज हैं, ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, मैंने एक्टिन कुछ इस तरह का बनाया है कि इसके अंदर आपको इस तरह के कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये वो साइट हैं कि जहाँ पर मायोसिन जाकर बाइंड करेगा। अभी ये साइट अगर आप देखें जब ये रिलैक्स कंडीशन के अंदर है तो ये साइट्स ब्लॉक्ड हैं। किसके ज़रिए से ब्लॉक्ड हैं? एक ग्रीन कलर की प्रोटीन आपको नज़र आ रही है, दिस ग्रीन प्रोटीन इज़ कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। तो अगर आप गौर करें तो सारी की सारी साइट जो हैं वो ब्लॉक हुई हुई हैं, ट्रोपोमायोसिन ने इन सबको ब्लॉक किया हुआ है। और ट्रोपोमायोसिन के साथ एक दूसरी प्रोटीन अटैच है जो ब्लैक कलर में बनाई है मैंने, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। तो ये तीनों मिलकर थिन फिलामेंट बनाती है। यहाँ पर भी यही हालत है, ये साइट आपको नज़र आ रही है, ये साइट आपको नज़र आ रही है, लेकिन इनके ऊपर कौन पड़ा हुआ है? इनके ऊपर ट्रोपोमायोसिन पड़ा हुआ है जो बेसिकली इन साइट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो एक्टिन की साइट्स जो हैं वो रिलैक्स हालत के अंदर ब्लॉक्ड होती हैं बाय ट्रोपोमायोसिन। तो बेसिकली ये ट्रोपोमायोसिन है जो मायोसिन को बाइंड होने से रोक रहा है, किसके साथ? एक्टिन के साथ। अच्छा, मायोसिन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके कुछ बल्बस हेड्स होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहते हैं बल्बस हेड। ये बल्बस हेड जो है ना, ये जाकर एक्टिन की इन साइट्स में बैठ जाते हैं, और ये जो अटैचमेंट है ये कहलाता है क्रॉस ब्रिज। तो इसकी मदद से बेसिकली होता यह है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखें, बल्बस हेड जो है ना वो तो अवेलेबल है, वो तो जाकर बैठना चाह रहे हैं एक्टिन की इन साइट्स के अंदर, लेकिन चूंकि अभी रिलैक्स कंडीशन है और ट्रोपोमायोसिन बैठा हुआ है तो ये मायोसिन के जो बल्बस हेड हैं ये जाकर बाइंड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक काम ये होता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये इन साइट से हटता है। जब ये इन साइट से हटता है तो ये साइट्स एक्सपोज होती हैं। अब देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ये वाला टॉपिक भी मैं यहीं पर कवर करवा देता हूँ। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है हमारे पास नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है? ये वो मैसेज है जो कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आएगा मसल के पास। कोई भी मसल जब काम करता है तो उसके लिए उसके पास एक मैसेज आता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, तो मसल के पास मैसेज आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं जो बोल रहा हूँ तो जो मसल्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके पास मैसेज आ रहा है ब्रेन से, तभी वो मूव कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला काम है नर्व इम्पल्स। जब मैसेज आता है नर्वस सिस्टम से, जब मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो मसल के अंदर एक अदद ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हर सेल में होता है। मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जिस तरह मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कह रहे थे, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जमा होते हैं कैल्शियम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले का काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमा होता है। जब मैसेज आता है ना, नर्व इम्पल्स पहुंचती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें से कैल्शियम रिलीज हो जाता है। नाउ दिस कैल्शियम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। ये जो कैल्शियम है ये आकर बाइंड होता है, किसके साथ बाइंड होता है? इस कॉम्पोनेंट के साथ, इस प्रोटीन के साथ। इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। जब कैल्शियम आकर इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ये कैल्शियम आकर बाइंड हो गया, ठीक है, कैल्शियम जैसे ही आकर बाइंड होता है ना, ये ट्रोपोनिन की पोजीशन चेंज होती है और इसके साथ एसोसिएटेड जो ट्रोपोमायोसिन है उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें रिलैक्स कंडीशन में, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये कवर कर रहा था एक्टिन की साइट को। जैसे ही कैल्शियम आकर बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन भी चेंज हुआ, ट्रोपोमायोसिन भी चेंज हुआ, अब ये कवर नहीं कर रहा, तो एक्टिन की जो साइट्स थी वो क्या हो गई? वो एक्सपोज हो गई। यानी अब मायोसिन के जो हेड्स हैं, ये वाला जो मायोसिन का हेड है, ये आकर बाइंड कर सकता है, ये आकर बैठ सकता है, ये आकर क्रॉस ब्रिज बना सकता है किसके साथ? एक्टिन के साथ। लेकिन अब इसको यहाँ से देखें, अभी ये किस पोजीशन के अंदर है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसको वर्टिकल पोजीशन में लाने के लिए और यहाँ पर बिठाने के लिए, इस अटैचमेंट के लिए, अब तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो तीसरी चीज़ है एनर्जी। और वो एनर्जी मेनली आती है कौन से मॉलिक्यूल से? जिसे हम कहते हैं एटीपी। तो एटीपी की ज़रूरत होती है इस काम के लिए कि ये जो मायोसिन के बल्बस हेड हैं, ये जो मायोसिन के एंड्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं। अब इसको यहाँ से उठाकर वर्टिकल पोजीशन में लाना और यहाँ पर ब्रिज बनवाना और फिर इस ब्रिज को तोड़ना, इस ओवरऑल काम के अंदर जो है वो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। एक बार ये मायोसिन जाकर बैठ जाता है एक्टिन के साथ, एक्टिन के हुक, एक्टिन की साइट्स में, तो ये करता क्या है? देखें, इसकी डायरेक्शन इस तरह थी, ये हमारे पास मायोसिन है और ये इसका
हेड है, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जाके बैठ जाएगा वर्टिकल पोजीशन में ना, तो अब ये इसे खींचेगा सेंटर की तरफ। यहाँ से भी जब ये जाके वर्टिकल पोजीशन में चला जाएगा, अब इसे खींचेगा ये सेंटर की तरफ। तो देखें, यहाँ से ये इधर चला गया, अब ये मायोसिन के जो हेड्स हैं ये इस एक्टिन को खींचेंगे सेंटर की तरफ। जब ये वाला मायोसिन इस एक्टिन को खींचेगा सेंटर की तरफ, तो ये आगे आ जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, और अब की बार जब ये उठेगा तो ये इस वाले एक्टिन के साइड में नहीं बाइंड करेगा, ये अगले वाली एक्टिन के साइड में बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिन आगे आ चुका होगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे मायोसिन जो हैं ये एक्टिन को सेंटर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये मायोसिन के हेड हैं, ये जाकर एक्टिन के साथ बाइंड कर गए और इन्होंने खींचना शुरू किया। ये खींचते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, फिर खींचते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो ये मुसलसल खींचते रहते हैं इसको सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से जेड लाइन जो है ये एक दूसरे के करीब आती हैं और सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। एक डायग्राम हमने यहाँ देखी थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मायोसिन के हेड्स हैं, ये एक्टिन को खींच रहे हैं। देखें, एक्टिन अंदर की तरफ आता जा रहा है, एक्टिन अंदर की तरफ सेंटर की तरफ आता जा रहा है, सेंटर की तरफ आता जा रहा है, जिसकी वजह से सार्कोमेयर जो है ये रीजन पूरा जो है ये सार्कोमेयर है, ये सार्कोमेयर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इमेजेस में समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं एक एनिमेशन जो है उसका लिंक वीडियो में दे दूंगा। मेरे ख्याल में मैं दिखाई दूँ अगर एनिमेशन, बस थोड़ी सी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये क्रॉस ब्रिजेस बन रहे होंगे, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाए। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक एनिमेशन है, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा। ये सारा एग्नर के नाम से कोई चैनल है, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर ये वाला पार्ट मैं दिखा दूँ, फिर आप बाकी जो है वो एनिमेशन के अंदर देख लीजिएगा। ये सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मायोसिन और ये इसके हेड्स हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्टिन है। इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का ऊपर नज़र आ रहा है ये ट्रोपोनिन है, यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, मैंने ब्लैक कलर का बनाया था। और ये जो वायर नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ ट्रोपोमायोसिन। इस वक्त इस ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक की हुई है साइड्स, ठीक है, ट्रोपोनिन इसके साथ अटैच है। अब होगा ये कि ज़रूरत है हमें कैल्शियम की, ठीक है, तो आप कैल्शियम आता हुआ दिखाएंगे। ये यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये कैल्शियम के हैं। अब अगर आप गौर करें तो कैल्शियम आकर जैसी बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर के साथ, तो ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा। जब ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा तो एक्टिन की जो साइड्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। जब वो एक्सपोज होंगी तो अब ये मायोसिन के हेड जो है ना ये रेडी हैं किसके साथ बाइंड करने के लिए, एक्टिन के साथ। देखें, यहाँ पर ये ऊपर उठे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजिशन में आए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ADP अटैच है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि ATP कहाँ ब्रेक होता है और कहाँ जो है वो ब्रेक नहीं होता, बस इतना याद रख लें कि इस काम के अंदर ATP की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसने खींचा आगे की तरफ, उसके बाद ये दोबारा नीचे जाएगा, बहुत स्लो चल रही है, चल भाई, ये आ गया नीचे, ठीक है। अब जब ये उठेगा तो ये आगे वाले उसके अंदर जाएगा, आगे वाले सॉकेट के अंदर जाएगा, फिर खींचेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर दोबारा उठेगा। तो इस काम के लिए जो है वो ATP की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखें, अब ये अगले पोर्शन के अंदर आया, फिर ये अगले पोर्शन के अंदर आया, अब इस वाले को अगला जो मायोसिन है वो जो है वो बाइंड करेगा, और इस तरह से जो सार्कोमेयर है वो छोटा होता है, और सारे के सारे सार्कोमेयर जब छोटे होंगे तो मायोफिब्रिल छोटा होगा, मायोफिब्रिल छोटा होगा तो हमारे पास मसल सेल फाइबर और मसल सेल फाइबर से बंडल, इस तरह से ओवरऑल मसल छोटा होता है विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि मायोसिन के बल्बस हेड्स होते हैं, ठीक है, मायोसिन के एंड से निकल रहे होते हैं, ये क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं एक्टिन के साथ, और फिर ये खींचना शुरू करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, फुली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर जो है, यानी जो सार्कोमेयर है जो दो जेड लाइन के दरमियान का एरिया है, वो जब फुली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है तो वो अपनी 35% जो उसकी पूरी लेंथ है उसका 35% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी 35% तक जो है वो साइज़ छोटा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सार्कोमेयर जो है वो 100 मिलीमीटर का है तो वो 35% जो है वो कम हो जाएगा, यानी कितना, 65 मिलीमीटर तक जो है वो आ सकता है। अच्छा, ये जो क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं ये एक सेकंड के अंदर 50 to 100 times बन सकते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, या 700 times भी बन सकते हैं। तो ये जो आपको पूरा प्रोसेस आपने देखा था जो इतना स्लो नज़र आ रहा था, ये एक्चुअली बहुत तेज़ होता है, दैट इज़ वाई झट से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये सार्कोमेयर जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जो वो हैं क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ये बहुत तेज़ी से बनते हैं। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं कंट्रोल की, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है ऑल और नो रिस्पॉन्स। अब ये ऑल और नो रिस्पॉन्स क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जब मैसेज आता है ना मसल फाइबर के पास, ये एक फाइबर की बात हो रही है, जब मैसेज आता है ना किसी मसल फाइबर के पास, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दिस इज़ कॉल्ड ऑल और नो रिस्पॉन्स या ऑल और नन रिस्पॉन्स।
यानी अगर किसी एक मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ, मैं बंडल की बात नहीं कर रहा, एक मसल सेल फाइबर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जब भी उसके पास नर्व इम्पल्स आएगी, जब भी उसके पास मैसेज आएगा, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फुली कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसे हम कहें पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं, ये हम एक फाइबर की बात कर रहे हैं, मैं पूरे मसल की बात नहीं कर रहा। अगेन मैं समझा रहा हूँ, मसल के अंदर बंडल था, बंडल के अंदर मसल सेल फाइबर थे, तो उस फाइबर की बात हो रही है। जब उसके पास मैसेज आएगा तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो भी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी जो होती है वो सेम होती है। अब सवाल यह है कि अगर मसल फाइबर जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी सेम होती है, तो हम एक ही मसल से कम फोर्स कैसे जनरेट कर पाते हैं और ज़्यादा फोर्स कैसे जनरेट कर पाते हैं। यानी अगर मैं किसी के चेहरे के ऊपर हाथ अपना मारना चाहूँ, तो मैं हल्का सा भी मार सकता हूँ और मैं बहुत ज़ोर का थप्पड़ भी मार सकता हूँ। ऐसा कैसे है कि मैं अपने एक ही मसल से, वही मसल है मेरा जिससे जिससे मैं हाथ जो है वो हल्का सा टच भी कर सकता हूँ, और वही मसल है कि जिससे मैं हाथ जो है वो बहुत तेज़ी से मार सकता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही मसल से कम फोर्स भी जनरेट की जा सके और ज़्यादा फोर्स भी जनरेट की जा सके। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं मोटर यूनिट का। देखिए भाई, अगर एक क्लास है, एक क्लास है जिससे कम शोर आ रहा है, एक क्लास है जिससे ज़्यादा शोर आ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं शोर पैदा करने में, वो डिफरेंट है। जिस क्लास में कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस क्लास में से कम शोर आएगा, और जिस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा शोर आता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जितने मोटर यूनिट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होती है। अब ये मोटर यूनिट क्या है? तो मोटर यूनिट वो तमाम मसल फाइबर हैं जिन्हें एक न्यूरॉन की ब्रांचें सप्लाई करती हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन आ रहा है, अगर ये ब्रांच हो रहा है आगे जाके, तो ये एक न्यूरॉन की ब्रांचेस, ये एक न्यूरॉन की तीन ब्रांचेस हैं, तो ये इस मसल फाइबर को सप्लाई करिए, इस मसल फाइबर को, इस मसल फाइबर को, इन तीनों को मिलाकर कहा जाएगा सिंगल मोटर यूनिट। तो एक मोटर यूनिट जितने भी मसल फाइबर को सप्लाई करता है, एक न्यूरॉन जो है वो जितने मसल फाइबर को सप्लाई करता है वो मिलाकर कहलाते मोटर यूनिट। तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स को मैसेज आएगा उतने ज़्यादा मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होंगी। दैट इज़ वाई आप जो है वो बॉल बहुत फोर्सफुली भी थ्रो कर सकते हैं किसी की तरफ, और जो बॉलर है वो बॉल कराता है तो बहुत फोर्सफुली भी फेंक सकते हैं, और आप एक बच्चे की तरफ टॉस कर सकते हैं बहुत लाइटली। डिपेंड करता है मोटर यूनिट्स कितने पार्टिसिपेट करें, उतनी फोर्स जनरेट होती है। अच्छा, नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, तीन चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल करती है। नंबर वन नर्व इम्पल्स, नंबर टू एनर्जी, एंड नंबर थ्री कैल्शियम आयंस। अब ये जो नर्व इम्पल्स है, ये बेसिकली मैसेज है, ये मैसेज जो है ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आता है, और लाने वाला ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन लेकर आता है उसे हम कहते हैं मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व कहते हैं। इनके थ्रू मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, मेनली मसल तक या किसी ग्लैंड तक आते हैं। अच्छा, मसल्स जो है ना वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं नर्व इम्पल्स के ऊपर कि अगर आप उनसे नर्व इम्पल्स हटा दें, फॉर एग्जांपल किसी मसल की तरफ जाने वाली जो नर्व है वो अगर काट दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा, बल्कि वो डिजनरेट होने लगेगा। आप देखेंगे कि उसका जो बल्क है, जितना मसल पहले था उसका साइज़ श्रिंक होने लगेगा। अगर आपने किसी पोलियो के पेशेंट को देखा हो, तो पोलियो के जो पेशेंट होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, काम नहीं करते, बल्कि वो होने लगते हैं श्रिंक, उनका मसल जो है वो साइज़ में छोटा होने लगता है। तो ये इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं नर्व इम्पल्स के ऊपर। तो पहली चीज़ चाहिए नर्व इम्पल्स, दूसरी चीज़ चाहिए क्या, एनर्जी, एनर्जी के ऊपर बाद में आते हैं, तीसरी चीज़ क्या चाहिए, कैल्शियम आयंस। मैंने आपको बताया था कि मसल के अंदर एक अदद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ वाला, जिसे कहते हैं सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर भरे हुए होते हैं कैल्शियम के आयंस। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुँचती है मसल फाइबर तक, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलीन। देखें, एसिटाइल कोलीन जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है, ये एसिटाइल कोलीन जैसे ही जाकर बैठता है मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर, सार्कोलीमा के ऊपर, तो वो मैसेज अंदर जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे खुल जाते हैं, कैल्शियम बाहर आ जाता है। ये कैल्शियम बाहर आकर बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। देखें, ट्रोपोमायोसिन को क्या कहा गया है यहाँ पे, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर, यानी ये वो मॉलिक्यूल है जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने से रोक रहा है। ये आपने याद रखना है, इट्स नॉट ट्रोपोनिन जो रोकता है, ट्रोपोमायोसिन वो मॉलिक्यूल है जो रोकता है एक्टिन और मायोसिन को मिलने से।
तो जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करता है वो ट्रोपोनिन को हटा देता है, जिसकी वजह से साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं और मायोसिन के जो हेड्स हैं वो जाकर क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, अब इस कैल्शियम का कोई काम नहीं है, तो ये कैल्शियम दोबारा से कहाँ चला जाता है, दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर बैठ जाता है, ताकि दोबारा जब मैसेज आए तो यही कैल्शियम इस्तेमाल किया जा सके। अगर ये कैल्शियम दोबारा ना जाए तो ये बार बार जो है वो ट्रोपोनिन को वो करता रहेगा, हटाता रहेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन बार बार होती रहेगी, तो ये कैल्शियम जाकर वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हो गई हमारे पास कैल्शियम आयन की बात। अब आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। ऑब्वियसली हमने देखा था कि एटीपी हमें चाहिए था किस काम के लिए, वो जो मायोसिन के हेड थे उन्हें जाकर एक्टिन की साइट्स में बिठाना था, तो इसके लिए एटीपी की ज़रूरत थी। अब एटीपी कहाँ से आएगा, खाने से आएगा, लेकिन खाना जो है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, तो जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है कार्बोहाइड्रेट से, और वो ग्लूकोज जो है जब वो एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि मसल और लिवर ये दो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है बड़ी बड़ी चेन्स में, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन और एक और मॉलिक्यूल है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, इन दोनों को कहा जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी खाने में से जो एनर्जी निकलती है उसको इन दोनों के अंदर स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में है। अब देखिए, ग्लाइकोजन मसल के अंदर स्टोर है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज की चेन है, तो जब आप खाना नहीं खा रहे उस वक्त भी आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। इस ग्लूकोज को गुजारा जाता है कौन सी चेन से, सेलुलर रेस्पिरेशन से, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इनके ज़रिए से गुजरने के बाद इससे बनते हैं क्या, एटीपी। ठीक है, एटीपी जनरेट होता है। अब एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। देखिए, क्रिएटिनिन एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है और इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल बॉन्ड होता है, तो ये फॉस्फेट इससे अलग हो सकता है। ये फॉस्फेट किसको मिलता है, ये मिलता है एडीपी को, और जब इसे ये फॉस्फेट मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। बेसिकली ये किसके तौर पर बिहेव कर रहा है, देखिए पहले क्या होता था, आपके पास जो मोबाइल है उसके अंदर एक बैटरी है, जब आप वो इस्तेमाल कर लेते थे तो वो ड्रेन हो जाता था। अब आपको उसे दोबारा से रिचार्ज करना है तो आपको चार्जर चाहिए होता था और एक सॉकेट चाहिए होता था। उसके लिए मेनली आपको जो है वो चार्जर चाहिए, अगर आप घर पे भूल गए तो आपको वापस आना पड़ता है घर पे, या अगर चार्जर है भी तो आपको सॉकेट चाहिए होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे तो आप चार्ज नहीं कर सकते उसे। अब जो है वो एक अदद हमारे पास आइटम आ गया है जिसे हम कहते हैं पावर बैंक। तो पावर बैंक क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। आप कहीं पर भी बैठे हो, सड़क पर भी बैठे हो, आपको सिर्फ वो वायर कनेक्ट करना होता है मोबाइल के साथ, और बिना किसी सॉकेट के, बिना किसी चार्जर के आप मोबाइल को फौरन से रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर ये मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली पावर बैंक का काम करता है। देखिए, एक तरीका तो यह है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का, एक तरीका तो यह है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ये काम हो। ठीक है, दूसरा तरीका जो झटपट है वो ये है कि ये एडीपी इसके पास आए और इससे ले ले फॉस्फेट और फौरन से कन्वर्ट हो जाए एडीपी में। तो ये पावर बैंक के तौर पे काम करता है, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करके रखता है, और जैसे ही एटीपी कन्वर्ट होता है ना एडीपी में, ये फौरन से उसे रिचार्ज कर देता है, ताकि ये लंबे वाले प्रोसेस के जरिए उसे रिचार्ज ना होना पड़े। तो ये दो मॉलिक्यूल हैं जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी जाती है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी स्टोर करते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट में, और फाइनली वो एनर्जी जाती है एटीपी के पास, और ये जो एटीपी है ये इस्तेमाल होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। आई होप ये समझ आया होगा, पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल टॉपिक और फिर ये वीडियो ख़त्म होगी, वो है मसल फटीग। फटीक जो है ये मसल की थकी हुई हालत को कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि मसल को एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी जिसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, या वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहता है। नॉर्मली हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि हमारे पास इनफ ऑक्सीजन होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो टॉक्सिक नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर आप मुसलसल एक मसल को इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है, मुसलसल एक्सरसाइज किए जा रहा है, तो उसकी उसके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन से जो सेल है वो शिफ्ट कर जाएगा फर्मेंटेशन की तरफ या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अब इससे एटीपी तो बनते हैं लेकिन वो कम बनते हैं, लेकिन नुकसान दूसरा क्या होता है, जो ग्लूकोज है
वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है, चूंकि हम एनिमल्स में आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब अगर लैक्टिक एसिड थोड़ा थोड़ा बने तो वो तो ब्लड जो है वो लेके चला जाता है, लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे तो ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है। जब ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है तो ये प्रोड्यूस करवाता है एक सेंसेशन जो कि पेन की होती है। तो ये पेन की सेंसेशन फील करवाता है, मसल जो है वो थक जाते हैं, ये कंडीशन जो है ये कहलाता है, ये कहलाती है मसल फटीग। जब मसल फटीग हो जाते हैं तो आप उस मसल से और काम नहीं कर पाते, फिर आप रेस्ट करते हैं। जब आप रेस्ट करते हैं तो आप ब्रीथ करते हैं, जब आप ब्रीथ करते हैं प्रॉपरली तो ऑक्सीजन जाती है मसल के अंदर। वो ऑक्सीजन क्या करती है, या तो इस लैक्टिक एसिड को आगे जाकर कन्वर्ट करवाती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर इसे दोबारा से कन्वर्ट करवा देती है ग्लूकोज में, और फिर ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है तो आपका मसल दोबारा से वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाता है, उसका पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जितना अमाउंट ऑक्सीजन का चाहिए होता है लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए, वॉश करने के लिए, वो अमाउंट ऑक्सीजन का कहलाता है ऑक्सीजन डेट। तो ये दो टर्म्स हैं, एक मसल फटीग है, ये टायरिंग कंडीशन है, थकावट वाली कंडीशन है, और इसको रिमूव करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन का जितना अमाउंट चाहिए वो कहलाएगा ऑक्सीजन डेट। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ये एक छोटी सी एडवाइस है, वो ये है कि आप जब मसल्स को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं, और जब आप मसल्स को इस्तेमाल करना कम कर देते हैं तो उसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं, और जब वो वीक हो जाते हैं तो फिर वो जल्दी थक जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग इमोबिलाइज हो जाते हैं, जो लोग मुसलसल बेड पर लेटे रहते हैं, यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं उनके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोबिलाइजेशन, फिज़िकल इनएक्टिविटी जो है वो मसल्स को वीक करती है और फिर वो जल्दी थक जाते हैं। तो आप मसल्स को इस्तेमाल में रखें, हर वक्त जो है वो लेट नहीं रहा करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया करें। चले भाई, फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये तो हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की।